हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज बच्चों जो है आपका ये क्लास फर्स्ट जो है हिंदी पार्ट नौ है, लेसन नाइन कुत्ती। पार्ट का क्या नाम है? कुत्ती नहीं नाराज होना, कुत्ती करना। और इसमें जो है आपका हमने कल पिछले वीडियो में आपको इस लेसन का आज पार्ट का कुत्ती का जो है शब्द ज्ञान बताया था। और इसके बाद जो संविधान के बाद हमने इस कहानी को जो है आपको पढ़ाया था, बताया था। और इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न से पहला सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ये भी आपको हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज जो है इसी अभ्यास के प्रश्न से हम जो है दूसरा देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न में दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका अभ्यास के प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जो पहला प्रश्न है आपको, बंदर कहाँ बैठा था? बंदर कहाँ बैठा था? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, बंदर कहाँ बैठा था? ठीक है, तो आप याद रखेंगे तो कह रहा कि एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। कहाँ बैठा था? एक पेड़ पर बैठा था। सीखेंगे अंदर, बंदर तालाब के किनारे, उत्तर होगा आपका बंदर तालाब के किनारे, बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। बच्चों बंदर कहाँ बैठा था? तो आप कहेंगे कि बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। ठीक है बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ख है, क्या ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गया? क्या ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गया? क्या क्या ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गया? क्या ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गया? तो बेटा क्या कहेंगे उत्तर के क्या होगा? ऊंट ने जब कहा, बंदर ने कहा उससे कि भाई ऊंट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ा होगे? उसने क्या कहता, क्यों नहीं मिलते, यह तो बहुत छोटी सी बात है, उसने कहा। और उसने जो है क्या किया, उसको तालाब के उस पार ले गया। तो लिखेंगे हाँ, ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गए। हाँ ठीक है, हाँ हम लगाएंगे, हाँ ऊंट बंदर को तालाब के उत्पाद ले। ठीक है, हाँ करेक्ट
क्या ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गया? कहेंगे हाँ ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गए। प्रश्न नंबर दो है आपका, क्या अंत में ऊंट और बंदर की दृष्टि हो गई? क्या अंत में ऊंट और बंदर की, क्या अंत में ऊंट और बंदर की दोस्ती हो गई? ठीक है, क्या अंत में ऊंट और बंदर की दोस्ती हो गई? क्या अंत में ऊंट और बंदर की दोस्ती होगी बेटा? तो क्या कहेंगे रिजल्ट में? उत्तर आपका है, आप पढ़े थे कि अंत में जो है उन्होंने दूसरे से माफी मांगी, तो हमारी आप टिक करके बहुत बड़ी भूल की थी, और इस तरह से वो दोनों क्या हो गए, फिर से मित्र बन गए थे, दोस्तों की दोस्ती हो गई थी। तो लिखेंगे हाँ अंत में, उत्तर होगा हाँ, हाँ अंत में बंदर की दोस्ती, हाँ अंत में ऊंट और बंदर की दोस्ती हो गई। यह तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि अंत में ऊंट और बंदर की दोस्ती हो गई, तो आप कहेंगे हाँ अंत में ऊंट और बंदर की दोस्ती हो गई। ठीक है, इस तरह जो है आपका अभ्यास के प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कौन 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 से प्रश्न थे जो आपको पूछा दिया गया? इसके बाद आपका है शब्द बोध, इसके बाद होता आपका शब्द बोध, शब्दबोध में आपका क्या है? सबसे पहले फर्स्ट चित्रों को उनके नाम से सही मिलाइए। पहला है चित्रों को उनके नाम से सही मिलाएंगे। ठीक है, चित्रों को उनके नाम से सही सही मिलाइए। बेटा यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं शब्द बोध में, आप यहाँ से देखेंगे कुछ चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, इन चित्रों को जो है उनके नाम से, चित्र एक तरफ चित्र दिया हुआ है और एक तरफ उनके नाम दिए गए हैं, तो उस चित्र को जो है उनके नाम से आपको मैच कराने हैं। ठीक है, तो पहला जो क चित्र है, क ख ग तीन चित्र है, क ख ग ये तीन चित्र यहाँ बने हुए हैं। क का चित्र है, तो क जो चित्र है वह किसका है? क का चित्र देख रहे हैं, क जो आपका वृक्ष बना हुआ है, क का चित्र क्या है? वृक्ष बना हुआ है, तो क को जो है किसी मिलाएंगे हम वृक्ष से। ठीक है, क को हम मिलाएंगे वृक्ष से, और जो है वृक्ष का चित्र है, क के सामने वृक्ष का चित्र बना हुआ है, और उसके नाम का जो है वृक्ष को जो है हम इधर आपका ऊंट वृक्ष समूह दिया है, तो उसको हम लोग मिलाएंगे वृक्ष से। ठीक है, क का आपका वृक्ष हो जाएगा, और दूसरा ख जो है, ख देखो बेटा आपका अमरूद का चित्र है, ख जो है हम
अमरूद का कितना है तो उसको हम क्या करेंगे, इसके नाम से मिलाएंगे अमरूद, क्या मिलाएंगे अमरूद, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा। और उसके बाद गौ आपका देख रहे हैं ऊंट बना हुआ है, गौ में जो फिगर है जो है आपका ऊंट का है, तो वहाँ से जो है हम उसको गौ को किसी मिलाएंगे ऊंट से मिलाएंगे, गौ का चित्र जो है ऊंट है, ठीक है। यहाँ चित्र बने हुए हैं, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, ठीक है। गौ का चित्र गौ का गौ का यहाँ पर वृक्ष का चित्र है उसको वृक्ष से मिलाएंगे, यहाँ पर ऊंट का चित्र बना हुआ है तो ऊंट से मिलाएंगे, और यहाँ पर जो है आपका ऊंट का चित्र बना हुआ है तो उसको हम जो है ऊंट से मिला देंगे, ठीक है। तो ये यही आपको कह रहा है कि चित्रों को उनके नाम से सही सही रहे, जो बने हुए हैं उनके नाम को हम जो है सही सही मिला देंगे, किस तरह इसको पूरा करना, ठीक है बच्चों। इसके बाद तंत्र बोध में आपका दूसरा है, और ये समझिए और लिखिए, और ये समझिए और चाचा जी आ रहे थे, आप पढ़ सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा आपका, ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये सब चीज लिखा हुआ है दूसरा शब्द बोध में, तो यहाँ पे लिखा है चाचा जी आ रहे हैं, कॉल में चाचा जी आ रहे हैं, खोज का आपका सारे बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं, और गौ है सीमा आ रही है, सीमा आ रही है, और ख है मुन्नी आ रही है, मुन्नी आ रही है, ठीक है। देखिए गौ है का तो चाचा जी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ख है सारे बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं, ग है सीमा आ रही है, सीमा आ रही है, सीमा आ रही है, और ध है आपका मुन्नी आ रही है, मुन्नी आ रही है, ठीक है, मुन्नी आ रही है। ये देखा था, और इसमें जो है जो रहे हैं ये दोनों वाले हैं, ये रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ रहे हैं, और ये रही है, और ये रही है, ये जो आपका अंडरलाइन है, रहे हैं, रही है, रही है, रहे हैं, रही हैं, और रही है, ये जो अंडरलाइन किया है आपके बुक में, इसको कलर किया गया है, इस वर्ड को जो है क्या किया गया है, कलर किया गया है, इसका रंगीन वर्ड है, लाल कलर से रेड कलर से इसको कलर किया गया है, इसी को समझ करके आपको लिखना है, यानी लिखने का है मामा जी भी बिजली, मामा जी भी दिल्ली जा, अभी समझ आया, ठीक है, हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरा है सारे बच्चे जा सकते हैं, सारे बच्चे नाटक खेल सुन रहे हैं, इस
तीसरा है गीता का आविर्भाव। गीता का आविर्भाव और आविर्भाव ठीक है। थोड़ा चौथा का चुन्नी का चुन्नी का ठीक है। तो आपको इसको पढ़ करके समझ के लिखना है क्या क्या रहे हैं, रहे हैं रजी है रजी है ये सब लिखा हुआ है। और आपका जो उसमें इस शब्द को लक्षण किया गया है रहे हैं रहे हैं रही है रही तो जो है चल गया कि आपको पता चलेंगे मामा जी की दिल्ली जा रहे हैं क्या बेटा रहे क्या रहे हैं मामा जी भी दिल्ली जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं ठीक है। सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं ठीक है। सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं और यहाँ पे सीमा आ रही है क्योंकि गीता कहानी पर रही है कैसा रही है नाम पर लिखा गया है रही है कैसा जगह रही है ठीक है रही है। तो आचार्य का चुन्नी का रही है आप क्या है रही है कैसा चुन्नी का रही है ठीक है। बच्चों इस तरह से आपको इस वाक्य को पढ़ करके समझ करके इस वाक्य में आपको भरना था फिर करना था कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या आपका है इसमें आपका व्याकरण बोध किया है लास्ट ठीक है। व्याकरण बोध में आपका है व्याकरण बोध व्याकरण बोध में आपने दिया था समाज हमारे शब्दों के सही जुड़े बनाएंगे समाज और वाले शब्दों के सही जोड़े बनाइए। समान और वाले शब्दों के समान और वाले शब्दों के सही जोड़े बनाइए क्या हो सकता है दूसरा का अनुबंध अनुबंध तीसरा है मह मह और चौथा है वृक्ष ये दिया गया और कहा कि इससे जो है जो समान अर्थ बताते हैं ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहते हैं समानार्थी समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द ठीक है। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द ठीक है। तो यहाँ दिया है पेड़ पेड़ दिया है घूमना घूमना खुशबू खुशबू और लास्ट आपका झगड़ा झगड़ा ठीक है। जो ये दिया हुआ है समान शब्दों के सही ग्रहण लाइए इसके जो है सही ग्रहण आपको
सैर करना, ठीक है। सैर करने का मतलब क्या होता है, घूमने जाना। सैर करना मतलब घूमना, हम वहाँ सैर करने के लिए गए थे, ठीक है। जैसे आप कहीं गए सैर करने के लिए, घूमने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि हम वहाँ सैर करने के लिए गए थे। तो यहाँ पर सैर का मतलब क्या होता है, घूमने, वहाँ घूमने के लिए गए थे। सैर करने का क्या होता है, घूमना, क्या होता है, घूमना। सैर करना क्या होगा, घूमना हो जाएगा। उसके बाद आपका अनुपन दिया है, अनुपन मतलब झगड़ा, अनुपन मतलब झगड़ा। आपका वर्ड मीनिंग भी लिखवाया गया सब्जेक्ट क्या होता है, झगड़ा, ठीक है। अनुपन मतलब जाएगा झगड़ा। और यहाँ तक का महक, महक यानी सुगंध यानी खुशबू, ठीक है। महक यानी सुगंध या खुशबू, तो महक क्या आ जाएगा, खुशबू। और लास्ट आपका है वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, इसका मतलब क्या होता है, समाज के साथ पेड़ होता है। क्या हो जाएगा, पेड़। इस तरह जो है आप उसके दोबारा वर्ग शब्दों को सही से डाल देते हैं। सह मतलब झूला, अनुपम का मतलब झगड़ा, महत्व का मतलब खुशबू, और वृक्ष का अर्थ बन जाएगा पेड़, अर्थ हो जाएगा उसका पेड़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद आपका लास्ट क्या है, रचनात्मक कार्य, ठीक है बच्चों। इसमें लास्ट आपका दिया है रचनात्मक कार्य, यहाँ से आप देख सकते हैं बना हुआ है रचनात्मक कार्य का, ठीक है बच्चों, रचनात्मक कार्य। और इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में सुंदरता से रंग भरिए। ये जो रचनात्मक कार्य चित्र दिया हुआ है, ठीक है, जो बंदर का जो है उसके बीच में बंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और आप दृश्य देख रहे हैं, इसको जो है आपको सुंदरता से, इसमें आपको अच्छे से सुंदरता से रंग भरना है, समझ गए। तो इसको जो है आप लोग रचनात्मक कार्य को आप लोग होमवर्क रूप में कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरफ का आपका 7-9-50 ये आपका समाप्त हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 पार्ट 10 एस्किमो, ठीक है, एस्किमो, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तक लिए बाय बच्चों।